जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। MPPSC 2024 बहुप्रतीक्षित एक परीक्षा जिसके MPPSC के स्टूडेंट्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अपने भाग्य और मेहनत को बाद अब वो घड़ी है जब आप चेक कर पाए कि आपने जो भी मेहनत किया वो सही दिशा में था। क्योंकि पहली बार ये सिलेबस नया सिलेबस है, सिलेबस चेंज होने के बाद पहला एग्जाम था, तो अभी इसमें कुछ कन्फ्यूजन हैं। विद्वान हैं, विद्वानों में मतभेद होता है और उस मतभेद के बीच कहीं तो एक आंकड़ों पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है अगर आपके रेंज इनके बीच कहीं आ रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी बिना किसी डिलेमेंट के स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आयोग ने सितंबर में मेंस का डेट दे रखा है टेंटेटिव। कुछ लोग कहेंगे कि बहुत टफ था तो 75 में सिलेक्शन होना चाहिए, और चूंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थे इसलिए कट ऑफ 80 प्लस भी जा सकता है, तो अपने आपको सेफ मानते हुए मेंस की तैयारी कर सकते हैं। होता यह है कि जब कभी स्टूडेंट प्रीलिम्स लेके आता है तो वो आगे रिजल्ट आने तक का टाइम ये इस इंतजार में बिता देता है कि रिजल्ट में पास हो रहे हैं या नहीं, और उस क्रम में अगर पास हो गया और ये 10 दिन वेस्ट हो गए तो 10 दिन का वेस्टेज उस आखिरी के 10 दिन में भारी पड़ता है जब आप उस सिलेबस को रिवाइज करके अपने आपको और तैयार कर सकते थे एग्जाम के लिए। ये मेंस नया चैलेंज लेकर आ रहा है कि उसके स्टडी मटेरियल, उसके नोट्स, टेस्ट पेपर, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न ये कैसे रखे, तो टीम कौटिल्य के एक्सपर्ट्स इस बार आपके साथ हैं मेंस की तैयारी में। तो 25 तारीख से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने इस तैयारी को नया एज देने के लिए इस लेगेसी से जुड़िए और आप अपनी तैयारी को परख पाएंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितने तैयार हैं। अभी तक का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब कभी हमने जो कट ऑफ दिया है वो नियरेस्ट रहे और इसके आसपास ही चलता है, और तैयारी को नए धार देते हुए अपने उस रिजल्ट की ओर चले जो 2024 का फाइनल रिजल्ट तक पहुंचाएगा। हमारी शुभकामनाएं।